सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर 2023-24 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। ये सीरीज बच्चों सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इस सीरीज से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर करंट अफेयर का नहीं जा सकता। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन के साथ मैं लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मलेशिया मास्टर सुपर 500 या 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी HS प्रणय। जो HS प्रणय है बच्चों, ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि पहले भारतीय का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, जो प्रथम होते हैं ना, तो प्रथम वाला तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। अब बात करें जो HS प्रणय हैं, इन्होंने मलेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। BWUF रैंकिंग में 9वां स्थान पर स्थित है बच्चे। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के किसे हराकर वेंग होंग यांग को हराकर ये खिताब जीता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगूबाई काठियावाड़ी, जो फिल्म है इसने खिताब जीते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी रही है बच्चों? बधाई हो। दूसरे नंबर पर है आपका बधाई दो। क्लियर है जी? जो फिल्म है ना ये गंगूबाई काठियावाड़ ने 10 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। कितनी कैटेगरी में? कुल 10 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। अब बात करते हैं आईफा की। आईफा से स्ट्रेटेजी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आईफा जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? विजय क्राफ्ट इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ये पुरस्कार है। ये भी पूछा जा सकता है ये पुरस्कार किसके द्वारा निर्मित है। क्लियर है जी? और इसमें 2000 में स्थापित हुआ था, बोले तो प्रारंभ हुआ था। यदि बात करें कि 2023 में आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? ऋतिक रोशन। क्वेश्चन अभिनेता का भी पूछा जा सकता है। ऋतिक रोशन थे बच्चों 2023 में। क्लियर है जी? वहीं बात करें वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल पुरस्कार होता है बच्चों, नोबेल पुरस्कार होता है। यदि बात करें आपका एक ओस्कर पुरस्कार भी होता है। क्या होता है बच्चों? ओस्कर पुरस्कार। यहाँ से मैं जो पुरस्कार, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे अगला जस्ट क्वेश्चन देखो। जैसे साहित्य का ये आपका है कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो पहले मैं इसको कवर कराता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बात करें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया बच्चों? ये है राइट आंसर होगा आपका दामोदर मौजो। ऑप्शन नंबर डी दामोदर मौजो को 2021 में और 2022 में, दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2021 में तो था आपका 56वां, 2022 में था आपका 57वां। 2021 के लिए ना बच्चों असमिया साहित्यकार हैं नीलमणि फुकन। कौन थे? नीलमणि फुकन को दिया गया, जबकि 2022 के लिए दामोदर मौजो। ये नीलमणि फुकन ने 2021 का 56वां दिया गया था, दामोदर मौजो को 2022 का 57वां पुरस्कार दिया गया है। बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, जो फर्स्ट थे? सुमित्रानंदन पंत। पहले हिंदी लेखक थे, याद रखना, पहले हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। बात करें भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, आशा पूर्णा देवी। ये स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। कब दिया गया था इसे? 1976 में ये प्रदान किया गया था। वहीं बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में से किसी एक में भी दिया जाता है। 11 लाख रुपये इसमें धनराशि दी जाती है। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। वहीं बात करें आपका कि प्रथम अंग्रेजी में किसे दिया गया था? अंग्रेजी में दिया गया था बच्चों अमिताभ घोष को। हिंदी में पंत को दिया गया था, अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया गया था। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। 56वां 57वां में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम पूछा जाता है,
ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी को किया गया है बच्चों, क्लियर है। अब बात करें COP जो है ये 28 इंपॉर्टेंट है जी, जलवायु सम्मेलन जो COP28 है इसमें कुल कितने देश थे? 197 देश और यूनियन संघ मिलाकर इतने देश शामिल थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटरिंग सम्मेलन 2023 में जारी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटरिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एरावत को किस स्थान पर रखा गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75वें स्थान पर, एरावत है भारत का, याद रखना नाम भी पूछा जा सकता है एरावत का डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जी आपका ये आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अजय बग्गा, किसे रखा गया बच्चों? अजय बग्गा को क्या बनाया गया है? 14वें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की, विश्व बैंक बच्चों 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय IBRD के रूप में इसे स्थापित किया गया था, बाद में इसे IBRD की जगह विश्व बैंक का नाम दे दिया गया। बाद यही अब आपको ये भी पता होना चाहिए कुल कितने सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश है, भारत इसका एक सदस्य है। इसकी 5 विकास संस्थाएं होती है, नंबर 1 फुल फॉर्म पूछी जाती है, स्थापना वर्ष पूछा जाता है IBRD, नंबर 2 IDA, नंबर 3 IFC, नंबर 4 MIGA, नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों ICSID, IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, MIGA बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, क्लियर है। ये आपका एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कब हुई थी? जुलाई 1944 में, कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स USA में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में की गई थी, क्लियर है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों, अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 7, हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुक्त हवाई जहाज में तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, क्लाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत को। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओखा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में 4था नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, समुद्र शक्ति 2023। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऊना में। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की हेतु नामित किया? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों विश्व सतत परिवहन दिवस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संचार साथी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग
प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी, संबल सिंह शिल्प, महोबा गोरा पत्थर शिल्प, मैनपुरी तार का शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। फिनलैंड बोले याद ऐसा करना है, फन करते हैं वहाँ के व्यक्ति इसलिए खुशहाल है। क्वेश्चन नंबर 18, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य में छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क बनाया गया, एक तितली के लिए पार्क बनाया गया है पूर्वोत्तर राज्य में, नाम पूछा है उसका नाम क्या है। राइट आंसर होगा स्टेट का ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 20, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोच्च स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा लद्दाख और मयूरभंज को। क्वेश्चन नंबर 21, के के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यवंशम। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोची में किस विमानवाहक पोत को प्रेजिडेंटस कलर प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी INS द्रोणाचार्य, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एरिक गारसेटी। क्वेश्चन नंबर 25, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर अपना देश प्यारा भारत। ये प्यारे बच्चों आज की सेट नंबर 69 टॉप 25 करंट अफेयर की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले सुबह 7 बजे 7 AM पर तो आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट है बच्चों, 9 AM मॉर्निंग में आपकी टॉप 50 GK GS की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। 11 AM पर आपकी मैथ की, रेलवे की, PYQ ट्रिक अप्रोच के साथ। 3 बजे आपकी पर डे बच्चों 3 PM रीजनिंग की प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गई है। और शाम को 6 बजे आपकी कौन सी क्लास बच्चों, साइंस की, रेलवे की टॉपिक वाइज क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आपका आगामी एग्जाम रेलवे का हो तो इससे बेहतर क्लास आपको देखने को नहीं मिलने की, कृपया करके ये क्लास सभी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने जो सिलेक्शन है उसे पक्का करने के लिए एक कदम आगे अग्रसर हो जाइएगा। आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।